दोस्तों इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अर्थात भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। आइए अब प्रधानमंत्री के कार्यों को विस्तृत रूप में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं। मंत्री परिषद के संबंध में प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहली बात करें तो मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। दूसरी बात करें तो यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकता है। तीसरी बात करें तो वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। चौथी बात करें तो किसी मंत्री को त्याग पत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। पांचवी बात करें तो वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। छठी बात करें तो वह अपने पद से त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है। यहाँ पे आप नोट करिएगा कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्री परिषद स्वयं विघटित हो जाती है। अगली बात करें तो नियुक्ति संबंध में अधिकार हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को निम्न अधिकारियों को नियुक्ति के संबंध में राय देने का अधिकार प्राप्त है। पहली, प्रधानमंत्री का भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का चुनाव। पांचवी बात करें तो चुनाव आयुक्तों का चुनाव। छठी बात करें तो वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव। संसद के संदर्भ में अधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त है। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है और वह निम्न शक्तियों को का प्रयोग करता है। पहली, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और उसका सत्रावसान करने का परामर्श देता है। दूसरी बात करें तो वह लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। अगर अगली बात करें तो वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अगर प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियों की बात करें तो वह राष्ट्रपति राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बात करें तो वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। तीसरी बात करें तो वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। अगर चौथी बात करें तो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। पांचवी बात करें तो आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। छठी बात करें तो वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के साथ संबंध क्या होते हैं प्रधानमंत्री के, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में के बीच संबंध निम्न दो अनुच्छेदों में दिया गया है। पहली अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है और राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। अगर दूसरी बात करें तो अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। बी की बात करें तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। सी की बात करें तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।
प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करें तो मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। दूसरी बात करें तो देश में आपातकाल या कोई अन्य मामला जैसे विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देना। अगर तीसरी बात करें तो संघ के कार्यकलाप एवं प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय पर राष्ट्रपति को सूचित करें। प्रधानमंत्री के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, न कि राष्ट्रपति। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।